बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, मिनरल न्यूट्रिशन। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो, मिनरल न्यूट्रिशन में जो मेन मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करते हुए अपन चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है मिनरल न्यूट्रिशन में कि ये क्या है, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। पहले इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, ठीक है। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई भी मिनरल प्लांट के लिए क्या है, इसेंशियल है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, समझ गए? तो इसके लिए बात समझ लो आप, एक ट्रिक से लर्न कर लेना, ठीक है, कि ये जो मिनरल्स होते हैं ना उनमें सरगम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सरगम। एस का मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा कि जो मिनरल्स होने चाहिए बच्चे वो स्पेसिफिक होने चाहिए। बात समझ आ रही है? स्पेसिफिक फॉर प्लांट एक्टिविटी, इस बात को याद रखना। प्लांट्स के लिए क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, और इसको रिप्लेस ना किया जा सके, समझे? कैन नॉट रिप्लेस्ड बाय अदर, ठीक है, मिनरल, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे? स्पेसिफिक होता है प्लांट के लिए। दूसरा समझना, बोलते हैं ये रिप्रोडक्शन, प्लांट के रिप्रोडक्शन, और जी का मतलब हो गया ग्रोथ, इसके लिए जरूरी होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इन मिनरल्स की हेल्प से इसमें रिप्रोडक्शन हो और ग्रोथ हो। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट एम का मतलब क्या हो गया? तो ये मेटाबॉलिज्म भी कराता है। क्या कराता है बच्चे? प्लांट की मेटाबॉलिज्म कराएगा। बात समझ आ रही है? तो ये फोर बेटा क्या होते हैं? क्राइटेरिया होते हैं इसेंशियलिटी के लिए। बात समझ आ गई? प्लांट के लिए, ठीक है बेटा। जो क्राइटेरिया था इसेंशियलिटी का, उसके बेसिस पे अब देखो, जो मिनरल्स होते हैं ना, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? जो भी मिनरल्स होंगे प्लांट के लिए उनको किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी के बेसिस पे कितने अमाउंट चाहिए प्लांट के लिए, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। बात समझे? टू पार्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मिनरल्स को। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग किस में रखेंगे, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। कुछ ऐसे होंगे जिनको रखेंगे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट में। मैक्रो हो गया और दूसरा कौन सा हो गया बच्चे? माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। बात समझ आ रही है? ये क्या होता है बच्चे? नीडेड इन, ठीक, लार्ज अमाउंट। कितना अमाउंट चाहिए होता है प्लांट के लिए? तो लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। कितना चाहिए होता है? तो मोर देन, ठीक है, 10 मिली मोल, ठीक, पर केजी, इस बात को याद रखना। इससे ज्यादा चाहिए होता है प्लांट के लिए। और ये वाला कैसा चाहिए होता है? माइक्रो नेम से लग रहा है, तो लेस देन 10 मिली मोल पर केजी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बोलते ये कम चाहिए होता है माइक्रो वाला, इसीलिए इसको बच्चे बोल देते हैं ट्रेस एलिमेंट्स है ये सब। कैसे हैं ट्रेस? ट्रेस मतलब क्या हो जाता है? बहुत कम अमाउंट में इससे चाहिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ देखो, चांस, क्या लिखा हुआ है? चांस, ठीक है, पीके एमजी का, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, चांस पीके किसका? एमजी। इसके एग्जाम्पल में देखो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहला है ब्यूटीफुल, ठीक है, बी हो गया, एफ ई हो गया, ब्यूटीफुल कौन है? तो ये है मोनिका, ठीक, कल मंजन किया, बस इसको ऐसे समझना है तुमको, ठीक है, बी एफ ई एम ओ एन आई सी यू सी एल एम एन जेड एन, समझ गए? ब्यूटीफुल मोनिका ने कल क्या किया है? मंजन किया। ये एलिमेंट जो हो गए ये माइक्रो वाले हो गए, और ये वाले कौन से हो गए बच्चे? मैक्रो। इधर वाले जो होते हैं ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और इस तरफ वाले क्या होते हैं? ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्लियर? अब ध्यान से बात को समझना जरा, जो सी एच ओ होता है, समझे, ये प्लांट को कैसे मिलता है? तो बोलते हैं ये सीओ टू और वाटर से मिल जाता है, एच टू ओ से। बाकी जितने भी ये मिनरल लिखे हुए हैं, समझ गए, तो ये सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। बात समझ आ गई आप लोग को? ठीक है,
चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ हायर प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। बात समझ आ रही है, इस बात को याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, बेनिफिशियल ठीक है एलिमेंट्स फॉर प्लांट, इस बात को याद रखना ठीक है। तो बेनिफिशियल एलिमेंट जो है उसमें आ जाता है CO ठीक है, Na, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा Si, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा Se। बात समझ आ रही है, तो इसको लर्न ऐसे कर लेना, लिखा है कौन से, क्या लिखा हुआ बच्चे, कौन से एलिमेंट होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं समझे प्लांट के लिए। तो ये ट्रिक भी है, कौन से एलिमेंट बेनिफिशियल होंगे, तो ये लिखा कौन से, समझ गए, सिंपल सी बात है। इसके आगे देखो नेक्स्ट, ठीक है बच्चों अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे और कुछ एलिमेंट्स की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बात समझ आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में ठीक है। नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है। बात समझ आ रही है, तो इसको याद रखना है एब्जॉर्ब ठीक है मेनली ठीक इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कर रहा है बच्चे, तो नाइट्रेट आयन की फॉर्म में करता है। बात समझ आ रही है, और कभी कभी कैसे कर सकता है सम टाइम्स ठीक है बाय नाइट्राइट आयन या फिर अमोनियम आयन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें इसका फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन का क्या फंक्शन होता है प्लांट के लिए, बात समझ आ रही है, तो याद रखना इट इज ठीक है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ठीक है, किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इस बात को समझना, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किस चीज का है, तो याद रखेंगे ये लिखा है ये हवन पर बैठा रहता है, कहां पर बैठा रहता है लिखा है हवन पर, एच का मतलब हो गया हॉर्मोन्स, समझ गए हॉर्मोन्स में मिलेगा ये, दूसरा विटामिन्स में मिलता है, बात समझ आ रही है, तीसरा ये किस में मिलेगा न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह में मिलता है, बात समझ आ रही है, प्रोटीन्स वगैरह में मिलता है, बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। देखो जो नाइट्रोजन है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सारी चीजों पे है, ये बात समझ आ गई, हम लोग को सबसे पहले कौन सा पढ़ना था मिनरल नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का क्या करना है हवन पर बैठाएंगे इसको, बात समझ आ रही है। एक एक करके एलिमेंट को देखो अभी हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, जैसे पहले वाले को क्या किया बच्चे हवन पर बैठाया, दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा चाहिए होता है, तो फॉस्फोरस, बात समझ आ रही है, कौन सा चाहिए है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को पी से डिनोट करते हैं, मैंने बोला कोई भी एलिमेंट पढ़ोगे तो सबसे पहली बात यही होता है कि इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करना है, बात समझ आ रही है, तो एब्जॉर्ब ठीक है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चे, तो फॉस्फेट आयन, बात समझ आ रही है फॉस्फेट आयन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फॉस्फेट आयन को कैसे लिख सकते हैं H2PO4 माइनस या फिर लिख सकते हैं HPO4 2 माइनस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ठीक। ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस, तो इट इज ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ठीक है देखो इसमें मैंने बताया हवन पर बैठाना है, यहां पर क्या करना है बच्चे प्रणाम करना है, बात समझ गए, कोई भी शुभ काम करते हैं तो हवन करते हैं फिर प्रणाम करते हैं, बात समझ आ गई, तो ध्यान से सुनना, ये देखो क्या है प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बोलते ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस जो होती है उसके लिए भी चाहिए होता है, कौन सी रिएक्शंस के लिए, तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के लिए, बात समझ आ रही है, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें किसकी जरूरत पड़ती है फॉस्फोरस की, बात समझ आ रही है, सेल मेम्ब्रेन का भी, एम का मीन्स यहां पर क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन का भी ये क्या होता है बच्चे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मैंने बोला था नाइट्रोजन को क्या करना है हवन करना है और इसको क्या करना है प्रणाम करना है, फिर इसके आगे देखो अब क्या होता है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आई होगी ठीक है, समझ आ गए। तीसरा जो मिनरल है वो है बेटा पोटेशियम, किसके बारे में थर्ड नंबर किसके बारे में बात हो रही है, तो पोटेशियम ठीक है, पोटेशियम को किससे शो किया जाता है के से, बात समझ गए, मैंने बोला ना कोई भी मिनरल हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला यही पॉइंट होगा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, समझ गए, तो एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ ठीक है पोटेशियम आयन, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है पोटेशियम आयन। अब देखो जो पोटेशियम है
वो प्लांट के कौन कौन से पार्ट द्वारा चाहिए होता है, मतलब प्लांट का कौन पार्ट चाहता है कि मेरे पास पोटेशियम आ जाए, बात समझ आ रही है? तो इट इज, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय, देखना ध्यान से सुनना, पहला हो गया बर्ड्स, जो प्लांट में बर्ड्स बनती है उनमें चाहिए, दूसरा लीव्स पत्तियां जो होंगे उसमें चाहिए, तीसरा रूट्स में चाहिए, नेक्स्ट मेरिस्टमेटिक टिश्यू में चाहिए, बात समझ आ गई? कहां कहां मैंने बोला बर्ड्स में चाहिए, दूसरा कहां चाहिए लीव्स में, तीसरा कहां चाहिए बच्चे रूट्स में, बात समझ गए? और नेक्स्ट क्या बोला है, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, ठीक है, ऑफ प्लांट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अगर इसको पढ़ के देखोगे तो लिखा होगा बलराम और ये लिखा है कैसे कृष्ण, कृष्ण और बलराम क्या थे भाई भाई, बात समझ गए? देखो मैंने पहले वाले का क्या बोला था, हवन करना है, प्रणाम करना है, किसको करना है हवन और प्रणाम, पोटेशियम को, बात समझ आ रही है? पोटेशियम मतलब यहाँ कृष्ण भगवान से हो गए, बात समझ गए? कृष्ण भगवान के क्या क्या काम थे, तो सिंपल सी बात है, देखो ये क्या करते हैं बच्चे, ठीक है, इट इज फॉर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस, बात समझ आ रही है, ऑफ, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इस बात को याद रखना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं, कृष्ण भगवान का क्या काम है, बैलेंस बना के रखना, बात समझ आ रही है? और फंक्शंस इनके देखो क्या क्या है, बात समझ आ रही है? कृष्ण भगवान जो है एकदम से काम करते हैं कि स्टेप वाइज काम करते हैं, तो ध्यान में सुनना ये स्टेप वाइज काम करते हैं, बात समझ आ रही है? एस का मींस क्या हो गया, स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, बात समझ आ रही है? स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ठीक है, उसमें ये रोल अपना प्ले करता है। दूसरा जो टर्जिडिटी होती है, बात समझ आ रही है, टर्जिडिटी प्लांट की सेल की, उसमें भी कौन डिपेंड करता है, यही एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेशियम, और भी सारे होते हैं लेकिन पोटेशियम भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है बच्चे, तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, मेरे ख्याल से इतना समझ आया तुमको, पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम आयन यहां यहां पे रिक्वायर्ड होता है, भाई कृष्ण भगवान है तो ये बैलेंस बना के रखेंगे और काम ये कैसा करते हैं, स्टेप वाइज काम करते हैं, इतना समझ आया? फिर इसके आगे हो रही है, नेक्स्ट है कैल्शियम, ठीक, तो वही पॉइंट, सबसे पहले किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, समझ गए, ठीक है, कैल्शियम आयन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बेटा ये, तो कैल्शियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बात समझ गए? अब देखो सबसे ज्यादा इसको कौन टिश्यू मतलब चाहता है कि मेरे पास कैल्शियम आ जाए, बात समझ आ रही है? तो ध्यान से सुनना, इट इज रिक्वायर्ड बाय, ठीक है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, समझ गए, कौन सा टिश्यू चाहता है इसको, तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग सेल्स, ऐसी सेल्स जो डिफरेंशिएट हो रही होती हैं, बात समझ आ गई आपको? ये दो टाइप के टिश्यूज जो होते हैं सबसे ज्यादा चाहते हैं कैल्शियम को, बात समझ आ रही है? ठीक है, अब जरा कैल्शियम के फंक्शन समझना, ठीक है, देखो एक ट्रिक से सिखा दे रहे हैं हम, बात समझ आ रहा है? कैल्शियम को कैसे पढ़ना है तुमको, पहली बात ये याद रखना, लिखा है कैल्शियम, क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम, एम का मतलब हो गया सारे इसके फंक्शन एम से ही होने हैं, जैसे सबसे पहला कौन सा चाहिए बच्चे, कौन सा टिश्यू इसको चाहता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, बात समझ आ गई फंक्शन में? अब नेक्स्ट समझना, जो मिडिल लैमेला होती है सेल की, मिडिल लैमेला को कौन बनाता है, तो यही कैल्शियम चाहिए होता बनाने के लिए, बात समझ आ रही है? सेल डिवीजन के दौरान जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं उसको भी कौन बनाता है, यही, बात समझ आ रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी ये चाहिए होता है, कौन सी एक्टिविटीज में चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, सेल मेम्ब्रेन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग भी किससे होती है, इसी से, समझ आ रही है? सेल मेम्ब्रेन की क्या चाहिए बच्चे, नॉर्मल फंक्शनिंग, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे ये ओल्ड लीव्स में मिलता है, ठीक है, फाउंड इन ओल्डर लीव्स, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं इतने में, ठीक है, ये लिखा है ओल्डर लीव्स। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम है ना, एम से मैंने बोले सारे के सारे फंक्शन, एम का मतलब क्या हो गया, मिडिल लैमेला, एम का मीनिंग हो गया माइटोटिक स्पिंडल, एम का मीनिंग हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एम का मीनिंग हो गया सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, मेम्ब्रेन से लर्न रखना इसको,
ओल्डर लीव्स मतलब क्या हो गई, ऐसी पत्तियां जो मरती हुई है, पुरानी पत्तियां हैं तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है, ओल्डर लीव्स हैं ये, बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक, ये लिखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी किससे है, एम से। आज मैंने आपको बताया है फोर एलिमेंट, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। नाइट्रोजन क्या करोगे, हवन, पोटेशियम से क्या करोगे बच्चे, प्रणाम, वो क्या हो गया पोटेशियम, नेक्स्ट पोटेशियम वाले से क्या होना है, सिंपल सी बात है, तो वो कृष्ण भगवान है, बात समझ आ रही है, और फास्फोरस से प्रणाम करते हैं, और लास्ट में कैल्शियम, सारे फंक्शन किससे होंगे इसके, एम से, देखो एम से लिखे हुए हैं, बात समझ आ रही है। इतना मेरे ख्याल से बच्चों, अगर इतना समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, और मिनरल्स के जो फंक्शन है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने आएंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप ही लोग को पता चल जाएगा।